ये देखिए, अभी अभी हम कल जन सुनवाई कर रहे थे तो उस दौरान एक प्रकरण सामने आया था जिसमें एक महिला आई थी, उसके द्वारा बताया गया था कि जो है एक मुअज्जिन जो होते हैं वो उनके घर पे जो है कुरान और उर्दू पढ़ाने के लिए रखाया था अपनी 9 वर्षीय बेटी के लिए। तो उसके द्वारा जो है उसकी बेटी को डरा धमका करके उसके साथ गलत हरकत और हैरेसमेंट किया गया था, उसी पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया महिला थाने के अंदर और धारा 376, 506 और 3/4 पॉस्को एक्ट के तहत में मुकदमा पंजीकृत हुआ है और उसी में जो है इसकी मोहम्मद अहमद जो नाम है उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसको जेल भेजा गया। सर कहाँ नमाज़ पढ़ाते थे ये मुअज्जिन थे, एमयू के अंदर जो है मुअज्जिन के पद पे थे। नमाज भी सर ये एमयू में पढ़ाते थे? इतना मेरे को नहीं पता, ये मुअज्जिन के पद पे थे और एमयू के अंदर एक डिपार्टमेंट के अंदर सुन्नी डिनिफित डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे डेली वेजिंग डेली वेज के पे भी जो है नियुक्त हो रखे थे वहाँ पर। हाँ, इसमें जो है पुलिस में प्रशस्ति पत्र जो है SHO महिला थाने को दिया जा रहा है कि उसने 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज होने के अंदर गिरफ्तारी की है। थैंक यू।